नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं 22 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली मोस्ट वेटेड फिल्म सलमान भाई की टाइगर जिंदा है। आइए बात करते हैं इस मूवी के रिलीज़ होने के पहले इस मूवी का बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन कितना होगा, क्या बजट आका जा रहा है, यह हिट होगी कि फ्लॉप होगी, इस सारे प्रोडिक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर जिंदा के जो कास्ट हैं वो सलमान खान मेन कलाकार हैं और इसमें हीरोइन उनकी है कैटरीना कैफ, और ये प्रोड्यूसर इसके हैं आदित्य चोपड़ा और यशराज फिल्म्स के बैनर ये मूवी बन रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह मूवी काफ़ी दिनों से चर्चित में है। इसकी जो पहली फर्स्ट पार्ट थी टाइगर, ये मूवी काफ़ी हिट हुई थी और इसी का सिक्वल है टाइगर जिंदा है। और इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो काफ़ी वेबसाइट सर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि इस मूवी का जो बजट आका जा रहा है वो 175 करोड़ का है, जिसमें 125 करोड़ प्रोडक्शन कॉस्ट है और 25 करोड़ प्रिंट और एडवर्टाइजिंग है, और स्क्रीन साइज लगभग 4000 स्क्रीन आंकी जा रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 22 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली ये मूवी क्या कमाल करती है इसके बारे में देखते हैं। इस मूवी की मार्केट को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो इस मूवी का जो पहले दिन का जो कलेक्शन होगा मेरे हिसाब से 35 से 40 करोड़ पहले दिन होना चाहिए, और इसका फर्स्ट वीकेंड जो होगा 95 से 100 करोड़ के बीच में होगा। अगर इस मूवी को पूरी तरह से हाथों हाथ लिया जाएगा जिस हिसाब से सलमान भाई का मार्केट है, उसके बाद इसका जब मिक्स माउथ पब्लिसिटी होगी, मतलब ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, मिक्स रहेगा, तो उस हिसाब से इसका लाइफ टाइम कलेक्शन जो होगा 190 से 195 करोड़ होगा। और जैसे मैंने बताया अगर इसको हाथों हाथ लेंगी पब्लिक तब इसका लाइफ टाइम कलेक्शन होगा 300 से 290 के बीच होगा, और अगर पब्लिक जैसे इनका मूवी जो ट्यूबलाइट आया था पब्लिक ने नहीं सराहा था तो वो 120 करोड़ गया था। तो ये भी मूवी अगर पब्लिक नहीं को पसंद नहीं आएगी तो इस मूवी का भी हर 120 से 125 करोड़ के बीच में होगा। अगर दोस्तों मेरा ये आंकड़ा एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, नए साल की आपके शुभ।